Friends, I hope you all are doing well. Today I am going to discuss the first poem of class 12 Flamingo book, that is My Mother at 66, and this poem is written by Kamla Das. So before beginning this poem, let's go through some world meaning. Poem ko shuru karne se pehle kuch world meaning hum log dekh lete hain students. So the first word is doze, which means sleep lightly. Doze jiska matlab hota hai halke se sona, matlab unghai lena. Then the second word is ashen, grey because of fear and illness, raag ki tarah, matlab ki dar ki wajah se, tabiyat kharab hone ki wajah se. Then we have the next word merry, merry means happy, khush. And then the fourth word is that spilling, move out quickly, spilling ka matlab ki tezi se bahar nikalna. The next word is one means colorless, jiska matlab colorless hota hai. And then the next word is pale, pale ka matlab hota hai yellowish, fade, yellowish matlab peela padna, dhudla hona. And then the next word again familiar, jiska matlab well known, jana pehchana. And the last word is that ek means deep pain, matlab gehri peeda. So now let's begin the poem. Poem hum shuru karte hain. Driving from my parents' homes to Kochi last Friday morning. Yahan pe jo poet Kamla Das hain, wo apne parents ke ghar se Kochi ko ja rahi hain last Friday morning. Kochi is a place in Kerala. Kerala mein ek jagah hai. So I saw my mother beside me. Maine apni mother ko dekha jo ki mere saath ja rahi thi, mere bagal mein baithi hui hain. Doze opened mouth, her face ashen like that of कॉप्स. यहाँ पर वो उंघाई ले रही हैं, ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ है. एंड हर फेस और उनका चेहरा एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका चेहरा बिल्कुल राख की तरह लग रहा है, बिल्कुल लाइफलेस लग रहा है, जैसे कि एक कॉप होता है. लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स मतलब एक डेड बॉडी की तरह. यहाँ पर कॉप्स मीन्स स्टूडेंट्स डेड बॉडी. एंड यहाँ पर अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट देयर इज अ पोएटिक डिवाइस सिमली हैज़ बीन यूज ओवर हियर. यहाँ पर सिमली भी यूज हुआ है. That is ashen like that of a corpse. The word like has been used ever. यहाँ पर comparison किया गया है students. And I realized with pain. और फिर मैंने अनुभव किया दर्द के साथ. That she was as old as she looked. वो बूढ़ी हो चुकी हैं जैसी वो दिखाई दे रही हैं. मतलब कि उनकी अब उम्र हो चुकी है. She has become old. She got weak. वो कमज़ोर हो चुकी हैं. But soon put that thought away. पर तुरंत ही उस विचार को मैंने हटाया अपने विचार दिमाग से. एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्पिनिंग. और फिर मैंने बाहर देखा पेड़ों की तरफ, नए नए पेड़ों की तरफ, जो ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ रहे हैं, वो व्हीकल से जा रहे हैं एयरपोर्ट को. तो रास्ते में जो पेड़ हैं वो ऐसा लग रहा है मूव व्हीकल के मूव करने की वजह से कि वो पेड़ भाग रहे हैं. एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और खुश बच्चे, हैप्पी बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. सो स्टूडेंट हियर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन. यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर कि जो इनसाइड द व्हीकल जो मदर हैं उनको जब पोएट देख रही हैं तो वो एक डेड बॉडी से उन्हें कंपेयर कर रही हैं, और जो बाहर हैं देयर इज़ अ मूवमेंट, पेड़ों का चलना कार के मूव होने की वजह से ही. एंड देन बच्चों का घरों से बाहर निकलना. सो हियर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन स्टूडेंट्स. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद से, एयरपोर्ट फ्लाइट लेने से पहले एक सिक्योरिटी चेक होता है, तो वहाँ पोएट कमला दास की जो मदर है वो उन्हें छोड़ने आई हैं. तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर. पोएट कमला दास अपनी मदर की तरफ दोबारा देखती हैं. वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. जो उनका जो फेस है वो बिल्कुल कलरलेस लग रहा है, येल्लो विश पीला लग रहा है. एज अ लेट विंटर्स मून, जैसा कि विंटर के समय जो चांद होता है, जो मून होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग एंड हेज, कोहरे होने की वजह से, धुंध होने की वजह से जो मून होता है उसकी शाइन बहुत कम होती है. तो सेम वैसा ही उन्होंने अपने मदर को भी कंपेयर किया है. दैट सी हैज़ लॉस्ट हर साइंस, सी हैज़ लॉस्ट हर स्ट्रेंथ एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक. और फिर वही पुराना दर्द, वही जो जाना पहचाना जो दर्द था, जो पीड़ा था, जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने कार में फील किया था. और बचपन का डर, अपनी मदर को खो देने का डर, माई चाइल्ड हुड फियर्स. यहाँ पर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. बट माई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो जो पोएट कमला दास हैं वो अपने इमोशंस को सप्रेस करती हैं, वो अपने इमोशंस को दबाती हैं, और एक ऐसा एश्योरेंस देते हुए अपनी ओल्ड और वीक मदर को कहती हैं सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलते हैं अम्मा. एंड ऑल आई डिड वॉज, और सिर्फ वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ वो मुस्कुराती हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स अगेन रिवाइज दिस पोएम. दोबारा हम लोग इस पोएम को रिवाइज करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम्स टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. यहाँ पे पोएट कमला दास अपने
पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए रवाना हो रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने अपने मदर को अपने बगल में देखा. डॉज ओपन माउथ हर फेस, वो उंगली ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था. सी वॉज स्लीपिंग लाइटली, उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल ग्रे लग रहा था, ग्रे पड़ गया था, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है. एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और वो दर्द के साथ ये अनुभव करती हैं, जो पोएट कमला दास है वो ये अनुभव करती हैं, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मतलब कि वो जैसी दिखाई दे रही हैं वैसी ही वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं. नाउ सी हैज़ गॉट ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी हैं. बट सून पुट दैट थाट अवे, पर तुरंत ही उन्होंने उस विचार को हटाया अपने दिमाग से. एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज, और फिर वो व्हीकल से बाहर देखती हैं नए नए पेड़ों की तरफ. वो नए नए पेड़, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पेड़ दौड़ रहे हैं, वो पेड़ भाग रहे हैं. कार के मूव होने की वजह से जो बाहर के पेड़ हैं वो ऐसा लग रहा था कि वो भी तेज़ी से दौड़ रहे हैं. द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, खुश बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन. यहाँ पर जो पोएट कमला दास हैं उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन दिया है कि व्हीकल के अंदर जो उनकी मदर हैं उन्होंने उनको एक डेड बॉडी से कंपेयर किया है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ. एंड जो बाहर हैं, जो पेड़ कार चलने की वजह से जो पेड़ भागते हुए दिख रहे हैं, और दैट इज़ जो बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मूवमेंट को शो करता है. तो स्टूडेंट, हेयर इज सब कॉन्ट्रडिक्शन. नाउ लेट्स नेक्स्ट. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद से, फ्लाइट बोर्ड करने से पहले कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक होता है, तो वही एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद से, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ कदमों की दूरी पर खड़े होकर, आई लुकड अगेन एट हर, मैंने उनको दोबारा देखा. वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, उनका जो चेहरा था वो कलरलेस था, वो बिल्कुल पीली सी पड़ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, आप कह सकते हो लैक ऑफ एनर्जी, एज अ लेट विंटर्स मून. और यहाँ पे जो पोएट कमला दास हैं उन्होंने अपने मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है. विंटर के समय जस्ट बिकॉज ऑफ फॉग एंड हेज, कोहरा और धुंध होने की वजह से, जैसे मून की शाइन नहीं होती है, मून हमें सही से नहीं दिखाई देता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने अपनी मदर को एक तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ साइन, अब लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है. एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर वही जाना पहचाना जो पीड़ा थी उसी को दोबारा से उन्होंने फील किया. माई चाइल्ड हुड फियर्स, मैंने बचपन का जो डर था उनके पोएटस की, मेरे बचपन का डर, माँ को खो देने का डर. बट ऑल आई सेड यू सून अम्मा, लेकिन यहाँ पे जो पोएट कमला दास हैं वो सिर्फ अपनी माँ से यही कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, दोबारा मिलते हैं अम्मा. एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ मैं वहाँ पर मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट दिस पोएम वेरी वेल. मुझे लग रहा है समझ में आप लोग को समझ में आएगा. नाउ लेट्स कम टू द पोएटिक डिवाइसेस. कुछ पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज हुए हैं. तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइसेस सिंबली, पहला जो पोएटिक डिवाइसेस सिंबली, यहाँ पर हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स. यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने अपनी मदर का जो फेस है वो कॉप से कंपेयर किया है. सो एज द वर्ड लाइक हैज़ बीन यूज्ड हियर, तो यहाँ पर जो सिंबली है वो हमारा पोएटिक डिवाइस क्या है, हमारा सिंबली यहाँ पर एक यूज हुआ है. एंड इन द सेकंड ओवर हियर दैट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जो अपने अपनी मदर का जो वन पेल और लेट विंटर मून से जो कंपेयर किया था फेस को, ये है. सो देयर आर टू सिंबली इन दिस पोएम. एंड द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज दैट रेपिटिशन, जो लास्ट वर्ड स्टैंजा में जो हमारा दैट इज लास्ट स्टैंजा जो है हमारा, दैट इज ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्माइल सब तीन बार आया है, तो दैट इज द रेपिटिशन. सो नाउ लेट्स कम टू सम इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं. वाई डज कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग, कमला दास ने यंग ट्रीज को दौड़ते हुए क्यों बताया. सो कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग, एज यूजली वी नो दैट वेन वी ट्रेवल बाय अ फास्ट रनिंग व्हीकल द स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट आउटसाइड अपीयर टू बी रनिंग फास्ट. So the appearance of their fast racing is described as sprinting over here, and it provide a sense of movement. यहाँ पर एक तरीके से movement का sense provide कर रहा है in the contradictions to the poet mother who is sitting inside the vehicle. बिल्कुल जो poet की जो mother है जो vehicle के अंदर बनी है उनसे contradict कर रहा है बाहर का जो young trees है जो sprint कर रहे हैं वो. Now let's come to the next. Why has the poet mothers been compared to the late winter's moon? जो poet की mother है वो late winter's moon से compare क्यों की जा रही हैं.
तो द पोएट मदर्स हैज लॉस्ट हर साइन, पोएट की जो मदर्स है लेट विंटर्स मून से इसलिए कंपेयर की जा रही है बिकॉज द पोएट मदर्स हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ड्यू टू द ओल्ड एज होने की वजह से. सिमिलरली इन द विंटर्स द मून ऑल्सो लुक्स हेजी एंड लैक ऑफ शाइन. जो लोग होता है वो भी हेजी दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है और उसकी जो शाइन है वो भी कम होता है. तो हैज द कंपैरिजन इज एप्ट ओवर हियर. तो ये कंपैरिजन क्या है, एप्ट है, बिल्कुल सही है. व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई. जो पोएट है उनका जो पार्टिंग वर्ड जो अलविदा वो शब्द है जैसे सी यू सून अम्मा और जो उनकी स्माइल है वो क्या सिग्निफाइज करता है. तो द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट सी यू सून अम्मा गिव्स एन एश्योरेंस, एक एश्योरेंस दे रहा है, एक दिलासा दे रहा है ऑफ अ लाइफ, जीवन का, टू हर ओल्ड मदर एंड अ